बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आज जुमा है, आप सबको जुमा मुबारक। और हम इस दुआ के साथ के दिन का आगाज़ करते हैं कि आपका दिन रहमतों और बरकतों भरा गुजरे। अच्छा हमजा, जिस तरह से हम लोग गेम्स, मतलब हम लोग बचपन में खेलते हैं, तुम भी खेलते होगे, मैं भी खेलती हूँ, बहुत सारे देखने वाले नहीं वीडियो गेम्स जिस तरह से होती हैं, हम लोगों को होता था ना उस टाइम, गेम्स खेलते थे बहुत ज़्यादा नई जब गेम्स आई थी। तो तुम्हारे ख्याल में, बिल्कुल सेगा गेम्स, अभी तुम्हारे ख्याल में कितना टाइम होना चाहिए? अब हम, क्योंकि अब तो हम बड़े हो गए, तुम्हारी सोच के मुताबिक बच्चों को कितना टाइम देना चाहिए हमें गेम्स खेलने के लिए, वीडियो गेम्स खेलने के लिए, ऑनलाइन गेम्स या वीडियो? मेरे ख्याल में तो अगर देख लिया जाए तो डेली आधे से एक घंटा दे दिया जाए, लेकिन मुझे लगता ही है कि हम जो खेलते होंगे ना वो 2 से 3 घंटे डेली वीडियो गेम्स खेलते होंगे। अपने आप को रखे बात कर, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि खेलने कम देना चाहिए, आधा से एक घंटा डेली अगर देख लें, और हम खेलते 2 से 3 घंटे होंगे। अच्छा, लेकिन हम तो वैसे देखा जाए तो हम इसी तरह, हम लोग पहले तो बड़े बहन भाइयों के इंतजार में बैठे रहते थे, देखते रहते थे कि वो खेल रहे तो हमारी बारी आए, तो उसमें काफ़ी देर लग जाती थी। खैर, अब जो है ना वीडियो गेम्स, क्योंकि खेलना जिस तरह से कोविड में बहुत ज़्यादा बच्चों को स्क्रीन की आदत हो गई थी और वो वीडियो गेम्स खेल रहे थे, तो उस आदत को ख़त्म करने के लिए और जिस तरह से वीडियो गेम्स का, क्योंकि टाइम, स्क्रीन टाइम जो कम करने के लिए, चीन ने अब ये किया है कि हफ्ते में, उन्होंने कहा कि 3 घंटे सिर्फ बच्चों को देना चाहिए, एक हफ्ते में 3 घंटे सिर्फ देना चाहिए बच्चों को। एक दिन की तुम बात करें, 2 से 3 घंटे हम लोग यूज़ करते हैं, एक घंटा देना चाहिए, लेकिन चीन में अभी उन्होंने इस आदत को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कहा कि 3 घंटे देने चाहिए पूरे हफ्ते में, और उसके भी टाइम रखा गया है। अच्छा। 8 जुमा हफ्ता और इतवार को 8 से 9 बजे तक 1 घंटा दिया गया है जी, इस टाइम भी हो ताकि ये इसी टाइम खेले। हाँ जी, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खासतौर पर। और उन्होंने कहा है कि ये जो टाइम है, जब बच्चों की छुट्टी होंगी तो थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, लेकिन जब बच्चे स्कूल जा रहे होंगे तो उस दौरान सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे, यानी कि 3 दिन में 1-1 घंटा जो है वो पूरे हफ्ते में 3 घंटे देने, ताकि बच्चों की जो वीडियो गेम्स की आदत है ना वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। और ये फैसला किया इसलिए गया है कि जब हम देख रहे थे कि बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा सुस्त होते चले जा रहे थे, बच्चे वीडियो गेम्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे और काफ़ी देर खेलते रहते थे, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं थी, और मोटापा एक बहुत बड़ी वजह बन रही थी बच्चों के अंदर, जिसके बाद ये फैसला कर लिया गया हफ्ते में 3 घंटे सिर्फ, हफ्ते पूरे के अंदर। अच्छा, 3 घंटे। अब आप ये खुद सोच लें, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं ना, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेरेंट्स अब सुन रहे होंगे वो अगर कम करेंगे तो बच्चे कहेंगे कि जी अच्छा हमारा जो कम है ना टाइम कर दिया, लेकिन ये जो है टाइम कम किया है उनकी सेहत को देखते हुए, कि उनकी आईसेट पे बड़ा इफेक्ट हो रहा था, उस वजह से फिर उन्होंने काफ़ी देर बच्चों को, क्योंकि वो जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो नोट कर रहे होते हैं एक एज ग्रुप के, सर्टेन एज ग्रुप के बच्चों को, तो वो देख रहे थे कि उन बच्चों की जो आदतें हैं या उनकी जो सेहत है वो ख़राब हो रही है और वो थोड़े एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, तो उन्होंने उन चीज़ों को, उनका मिनिमाइज करने के लिए ये टाइम रख दिया कि 3 घंटे सिर्फ हफ्ते में गेम्स खेली, इससे ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चों को ज़्यादा लगाना। हाँ जी, हम तो बाहर जो रिसर्च हो रही होती है उसी के ऊपर देख रहे होते हैं कि अच्छा फलां जगह पर यह रिसर्च हुई, तो हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए। तो चाइना अगर इस तरह के फैसले कर रहा है, हमें भी अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, उनको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएँ, और हफ्ते में 3 घंटे आप भी कोशिश करें कि अपने बच्चों को किसी तरह से मैनेज करके कम करें उनके घंटे जो वीडियो गेम्स खेलने के, साथ ही ये कार्टून्स खेलने की भी, हमें तो आधा घंटा मिला करता था और वो लगा करते थे सिर्फ, मेरा ख्याल है कि 5:30 से 6 बजे शाम को जो है ना लगा करते थे। अच्छा, वो चीज़ें अगर हम देखें ना तो वो बेहतर थी, क्योंकि उसके लिए टाइम आपके लिए रखा गया था कि इस टाइम में आपने देखना है, तो वही अगर चीज़ों को हम दोबारा से फॉलो करना शुरू कर दें, या चलो नई रिसर्चेज जो आ रही हैं, जिस तरह से हम बाहर बहुत ज़्यादा देखते हैं ना, उन लोगों से हम लोग कहते हैं कि जी ये चीज़ जो अच्छी कर रहे हैं हम उसको प्रेज भी कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को फिर फॉलो भी करना चाहिए, अपनी लाइफ जो आपकी है ना, आपके लाइफस्टाइल है, उसको हिस्सा बनाना चाहिए आपको इन चीज़ों को। चलें जी, पेरेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो इकरा ने हमारे साथ शेयर की। अब हम बात करेंगे भारतीय डेल्टा वेरिएंट की, जो पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है, और हम चौथी लहर की बात कर रहे थे कि शायद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन असद उमर साहब ने एक बार फिर अवाम को खबरदार कर दिया है। उन्होंने ट्वीट की है कि इस वक्त मुल्क के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद बुलंद तरीन सतह पर है, और कोरोना की जो भारतीय
किस्म है उसके फैलाव से अस्पतालों पर बोझ बढ़ सकता है। शहरी कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल करें और वैक्सीन लगवाएं। अगर उधर बात करें मुशीर तजारत अब्दुल रजाक की, तो उन्होंने कोरोना टेस्ट जब करवाया तो उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया और उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। ऐसा ही है। और अमरीका पाकिस्तान को फाइजर की कोरोना वैक्सीन की मजीद 40 लाख से ज्यादा डोजेज भी दे रहा है और तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया कि पाकिस्तान को वैक्सीन की 40 लाख से ज्यादा डोजेज भिजवाई गई हैं। दूसरी जानब हम बात करें WHO की, तो उसके मुताबिक दुनिया भर में फैली आलमी वबा कोरोना वायरस की एक और नई किस्म सामने आ गई है। अच्छा, वो नई किस्म का नाम जो है वो MU है। और आलमी दारा सेहत का कहना है कि कोरोना की जो ये किस्म है वो लोगों में वैक्सीनेशन या पिछले इन्फेक्शन से पैदा होने वाली क़ुव्वत मुदाफ़त को भी नज़रअंदाज कर सकती है। और WHO के मुताबिक कोरोना का नया वेरियंट जो है MU अब तक दुनिया के 39 ममालिक में भी रिपोर्ट हो चुका है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, और अभी तक हम उस दरिया के पार नहीं उतरे हैं जो कि डेल्टा वेरिएंट है। और असद उमर साहब दोबारा से ये कह रहे हैं कि सूरत हाल ख़राब है, मजीद ख़राब भी हो सकती है। हम बात करेंगे, डॉक्टर फैसल महमूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। पहले तो डेल्टा वेरिएंट की बात कर लेते हैं, फिर नए वेरिएंट की भी बात कर लेते हैं। डेल्टा वेरिएंट असद उमर साहब के मुताबिक उसका फैलाव जो है वो भी ज़्यादा है और अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं और अस्पतालों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इतना तवील देखा जाए तो चौथी लहर इतनी तवील हो गई? वालेकुम सलाम। तो देखिए, आई थिंक इसमें दो चीज़ें हैं जो कि याद रखने की ज़रूरत है। एक तो चौथी लहर हमारे थर्ड लहर से थोड़ा सा ऑपोजिट यूँ है कि जो तो थर्ड लहर थी वो पंजाब के टीके में पहले आई थी और फिर सिंध में आई थी। हम इस दफ़ा आई थिंक ये हमने उलट देखा है, सिंध में पहले आई थी और फिर पंजाब के टीके में बाद में। और सिंध के अंदर दबाव थोड़ा सा एक्चुअली कम है आजकल, हस्पताल थोड़े से खाली होना शुरू हो गए नस्बतन। मतलब दूसरी चीज़ ये कि याद रखें सारे डेल्टा वेरियंट नहीं है। जब हमने अपने पास चेक किए वेरिएंट, और याद सबके लिए करते हैं, हम बहुत एक छोटे मखसूस लोग ही करते हैं तो रैंडम, तो उसके अंदर अबाउट 50% डेल्टा आते हैं और 50% के अंदर हमको नहीं पता कौन से वेरिएंट आएंगे। तो सब वेरिएंट नहीं है, तो ये जो बर्ड आया ये वेरिएंट पे हम पूरा ब्लेम नहीं कर सकते, ये हमारे बिहेवियर भी इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ने जो नए वेरिएंट की बात की जा रही है जो कि 39 ममालिक में फैल भी चुका है, MU की बात कर रही हूँ मैं, तो इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन के बाद जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं या जो पहले से अगर कोई इन्फेक्ट होता है और उसके बाद जो उसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो उसको भी असरअंदाज कर सकती है। जो नए वेरियंट्स आ रहे हैं इसके बाद क्या समझते हैं, क्या बूस्टर डोज़ की तरफ रिकमेंडेशन होंगी कि इसके बाद दूसरी डोज के बाद अब बूस्टर डोज लगाई जाए या फिर इसी डोज जो अब वैक्सीन आ रही हैं उन्हीं को अपग्रेड किया जाएगा? सो देखें, वेरिएंट की कहानी ऐसी है कि वेरिएंट हैं तो लाखों के तादाद में एक्चुअली। इसमें से कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जो कि शायद वायरस को थोड़ा सा एडवांटेज देती हैं या फिर वो ज़्यादा फैलता है या हमारे इम्यून सिस्टम को वो से बच सकता है। और शुरू के जब ये ऐसे वेरिएंट्स आते हैं और लैब में हमको लगता है कि ये कर रहा है या फिर काफ़ी मालिक में फैल जाता है, तो उसको हम लोग वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, VOI कहते हैं। और इसका मतलब है कि अभी ये नहीं पता कि ये वेरिएंट तंग करेगा कि नहीं करेगा, बस सब इस पर नज़र रख रहे हैं। तो ये जो म्यू वेरिएंट है MU, इस पर भी नज़र रखा जा रहा है, ये नहीं पता कि ये वाकई फैलेगा या नहीं फैलेगा। डेल्टा वेरिएंट जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, यानी कि वो हमको पता है कि ये थोड़ा सा फैलता ज़्यादा है। क्या इसकी एहतियात तदाबीर क्या है, तो अगेन मैं वही बात कहूँगा कि जो पहले एहतियात तदाबीर थे यानी कि मास्क और हजूम में नहीं जाना और वेंटिलेटेड जगह पर रहना, वो तो अपनी जगह बरकरार हैं, उसी से ये कंट्रोल हो जाएगा। क्या हमको बूस्टर लगाना है या वैक्सीन चेंज करना है, ये भी वक्त बताएगा। एंड ये डिपेंड करता है कि ये वाला वेरिएंट फैलता है कि नहीं फैलता। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पहले सिंध में आया ये वायरस हमने देखा, पिछली लहर के साथ मवाजना भी आपने किया, अब आप क्या देख रहे हैं कि चौथी लहर जो है, अगर हम सिंध की बात कर लें क्योंकि वहाँ पर पहले आया था, वहाँ पर कहा जा सकता है कि अब उसका जोर टूटता चला जा रहा है और चौथी लहर से हमें कम अज़ कम सिंध की हद तक जो है छुटकारा मिल जाएगा, ताकि हम उससे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि बाकी जो सूबे हैं वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता शायद कम होना शुरू हो जाएगा? तो इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सिंध के अंदर बतदरीज हमारे जो रेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, हस्पताल पे दबाव थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है। अलबत्त एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि अब हम उस पॉइंट पे खड़े हुए हैं कि मुहर्रम और 14 अगस्त के तकरीबन अब 2 से 3 हफ्ते हो गए, तो अगर हो सकता है कि ये लहर में अभी दोबारा से तेज़ी आए, और इस पर हम बहुत क्लोज अभी नज़र रखते हैं। ठीक है ठीक है। और डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी बताइएगा, अगर डेल्टा वेरिएंट है ये तो चेक किए बगैर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बड़े महदूद पैमाने पर हम चेक कर रहे होते हैं, आम आदमी को कैसे पता लग सकता है कि मुझे डेल्टा वेरिएंट है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो फैलता बड़ा जल्दी है, फिर पूरी फैमिली को टेस्ट करवाने पड़ेंगे अगर कोई एक शख्स है, तो ये उसको कैसे पता लगेगा या नहीं पता लग सकता?
एक्चुअली इसका जवाब ये है कि पता लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर डेल्टा हो या ना हो आपके घर वालों को फिर भी आपको चेक करने की ज़रूरत है. अगर डेल्टा हो या ना हो इलाज में इसमें कोई चेंज नहीं होता, इलाज एग्जैक्टली वही है. तो यानी कि जब मैं पेशेंट देख रहा था उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको डेल्टा है या कोई और या कोई और वेरियंट है. ये तो सिर्फ यू नो जब आप रेट्स को देख रहे होते हैं नेशनल या ग्लोबल लेवल पे उस पर ये इसका थोड़ा सा सारा हेल्प मिलता है, वरना तो ऑन अ पर्सनल बेसिस कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका. सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बात बिल्कुल है कि जितने भी वेरिएंट्स आ जाएं हम जितना परेशान हो रहे हैं वेरिएंट्स को लेके, हम उसमें सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि खास कोई भी वेरिएंट क्यों ना हो, हमने एक ही काम करना है कि एहतियात करनी है, मास्क पहनना है भाई, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, इस तरीके से गले नहीं मिलना, और जो पहले हम जब पहली लहर आई थी जो एहतियात कर रहे थे हमें वो एहतियात दोबारा से करनी है, और जितना जल्दी हो सके अपने आपको वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि उससे जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की जो है बचत हो सकती है. तो आप लोगों के पास इस टाइम एक ही हल है कि अपने आपको वैक्सीनेट कराएं और जल्द अज जल्द कराएं, इसमें ताखीर नहीं करनी. और अब हमने बात करनी है सबसे बड़स्तानी सैयद अली गिलानी साहब. बिल्कुल, मुजाहिदे कश्मीर 92 बरस की उम्र में रब के रब्बे हुजूर में पेश हुए. भारत ने सैयद अली गिलानी को रात की तारीकी में तो सुपुर्दे खाक कर दिए, मगर उनकी जदोजहद जो है वो काबिज़ भारतीय फ़ौज को उनके ख्वाबों में भी डराती रहेगी बेशक. और कश्मीर की जदोजहद आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले बुजुर्ग हुर्रियत लीडर सैयद अली गिलानी को गुज़श्ता रोज़ सुबह 4 बजे सख्त फौजी मुहासरे में सुपुर्दे खाक कर दिया गया. और सैयद अली गिलानी की पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत ही कि उनके जस्ते खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेट कर कब्रिस्तान लाया गया. बिल्कुल, और सैयद अली गिलानी को श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में सुपुर्दे खाक किया गया. नमाज जनाजा में चंद करीबी रिश्तेदारों को ही शिरकत करने की इजाज़त मिल सकी है, लेकिन उनकी वफात का सोग मकबूजा वादी समेत पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है. सैयद अली गिलानी साहब का नारा था कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है. इलाके पाकिस्तान के सबसे बड़े हामी सैयद अली गिलानी ने ज़िंदगी भर भारतीय कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की. बिल्कुल, और भारतीय फ़ौज ने तवील अरसे तक नज़रबंद भी किए रखा था. अली गिलानी मज़ाहमत जदोजहद का इस्तारा थे, उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया था. और मकबूजा कश्मीर के सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने अफसोस का इजहार किया. वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी अफसोस का इजहार किया, शोक का भी ऐलान किया गया था. और साउथ एशिया की अगर बात करें तो इनको नेल्सन मंडेला कहा जाता था. हम बात करेंगे इसी हवाले से. हमारे साथ इस वक्त सरदार फहीम रबानी साहब, वज़ीर इत्तला'आत हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली. रबानी साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग. सर, कश्मीर की तहरीक हुर्रियत की बात करें, सैयद अली गिलानी साहब की वफ़ात आप क्या समझते हैं, कितना बड़ा सानहा है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस रीजन में और बिलखसूस जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए एक सिंबल थे वो. मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और हमारा कश्मीर के कितना रीजन है और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है कि 1947 में इस वक्त पाकिस्तान बनाने की बात की और पाकिस्तान पाकिस्तान बना. उस वक्त आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस पूरे कश्मीर के लोग यकजान हो के एक ही बात कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना है और पाकिस्तान बनाने के लिए हम जा रहे थे. उस वक्त से लेकर आज तक की तारीख में आप देख रहे हैं तो सैयद अली गिलानी वो वाहिद शख्स हैं जो हर फोरम पे एक नारा लगाते रहे कि आम पाकिस्तानी है और पाकिस्तान हमारा है. जी बिल्कुल, ये समझता हूँ कि ये वो लीडर हैं कि जिनको फॉलो करके इंशाल्लाह हम लोग तहरीक आज़ादी कश्मीर को आगे लेके जाएंगे और इसको मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे. पूरे आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान में शोक आलम. आज़ाद कश्मीर में हमने एक दिन की छुट्टी की और 3 दिन के शोक का ऐलान किया और साथ गायबाना नमाज जनाजा तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमने अदा किया कल. और साथ प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तस्वीर पाकिस्तान में वहाँ पे अदा किया नमाज जनाजा, गायबाना नमाज जनाजा था ये. और आज भी जुम्मा की नमाज के बाद गायबाना नमाज जनाजा हम लोग अदा करेंगे. और साथ मैं ये गुजारिश करूँगा कि पूरी दुनिया में लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक हासिल है. 5 अगस्त 2019 से लेकर
आज तक ये तकरीबन 2 साल से ज्यादा अर्सा गुजर गया और हमारे वो भाई जो मकबूजा कश्मीर में रहते हैं जी, उनको उन्होंने कैद करके रखा हुआ। बिल्कुल, उनको कोई बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं। बिल्कुल, उनको बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं है। सरदार साहब, आप क्या समझते हैं जो भारत की जानिब सैयद अली गिलानी की तदफीन में जल्दबाजी की गई है, ये भारत की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर नहीं करता? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो जिंदा थे उस वक्त भी भारत के लिए एक खौफ का आलम था कि ये वो शख्स है कि जो तहरीक आजादी कश्मीर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और जब उनकी मौत हुई उस वक्त भी वो इतने खौफजदा थे कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई जनाजा पड़ा जाए, और अगर जनाजा पड़ा जाए तो किस तरह से हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि एक खौफ की कैफियत में है वो लोग, और मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त किसी एरिया के लोग कोई फैसला कर लेते हैं, आप देख लें 1947 से लेकर आज तक की डेट तक एक वाजे पैगाम है, और वो पैगाम यह है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सरदार साहब, ये भी बताइएगा, सैयद अली गिलानी साहब के जस्ते खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेट कर कब्रिस्तान तक ले जाया गया और वहाँ पर उनकी तदफीन भी हुई है, ये क्या मैसेज जाता है पूरी दुनिया को? ये देखे ना, मैसेज ये जाता है कि जब तक हम जिंदा हैं हमारा एक नारा है कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है, और जिस वक्त हम दुनिया से जाएंगे उस वक्त की सब्ज लाली परचम में जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक वो जिंदा थे सब्ज लाली परचम श्रीनगर में उन्होंने थामे रखा, जब वो दुनिया से गए तो उस वक्त भी सब्ज लाली परचम में गए। यही हमारा पैगाम है, और यही पैगाम जब तक हमारा आखिरी बच्चा भी जिंदा रहेगा कश्मीरियों का उस वक्त तक हमारा यही पैगाम। बिल्कुल ठीक है सरदार फहीम रबानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और भारतीय फ्रस्ट्रेशन की बात कर रही थी, कर आप बिल्कुल, ये फ्रस्ट्रेशन वाजे थी, मुहासरा कर लिया गया, कर्फ्यू सा समा था, पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया, फिर आधे घंटे मोहलत दी गई कि इस आधे घंटे के अंदर ही आप तदफीन करें नहीं तो जबरदस्ती तदफीन कर दी जाएगी। जब मुजफ्फर वानी शहीद का जिस तरह जब उनको जस्ते हाथ लेके गया था, बिल्कुल तब उनके वो वाला मंजर था, उनको वो यकीनन उनको याद होगा, तभी उन्होंने इस तरह की पाबंदियां लगाई कि कुछ लोगों को सिर्फ इजाजत दी कि वो उनकी नमाज जनाजा, वो भी करीबी रिश्तेदारों को सिर्फ इजाजत दी गई। खैर, जज्बा हुर्रियत तो आप कम नहीं कर सकते हैं, और ये जो जिद्दोजहद आज़ादी है इस जिद्दोजहद का सिलसिला जारी रहेगा, इस जज्बे को आप कम नहीं कर सकते हैं, और कश्मीरी इंशाल्लाह आज़ादी लेकर रहेंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। स्टे विद अस। सुबह सवेरे